मध्य प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर हिंदू समाज द्वारा धन संग्रहण के लिए प्रदेश में रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में रैली पर उपद्रवियों के द्वारा किए गए हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। बता दें, मध्य प्रदेश में सबसे पहले उज्जैन के बेगमगंज में उपद्रवियों द्वारा रैली पर हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया था। उसके बाद इंदौर के नजदीक गौतमपुरा में भी जब धन संग्रहण को लेकर रैली निकाली जा रही थी, तब भी इसी प्रकार का विवाद सामने आया था, जिसके बाद भारी पुलिस बल व जिला प्रशासन द्वारा मोर्चा संभालकर कार्यवाही करते हुए कई लोगों को सलाखों के पीछे कर दिया था। इन्हीं सब कारणों को लेकर मालवा प्रांत के विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा आज इंदौर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान के समक्ष उपस्थित होकर एक आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि ऐसे उपद्रवियों पर सख्त कार्यवाही व समाज को भ्रमित करने वाले संगठनों पर कार्यवाही की जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में रोकी जा सके। बदलाव का नाम है सीमी के अगेंस्ट, सीमी पे प्रतिबंध है, इस पे भी प्रतिबंध है, पर उसके बदले में ये काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जो पथराव हो रहे हैं उसमें पीएफआई की भूमिका है? जी, भूमिका है पीएफआई। कैसे लगता है, क्या आपको भाई सुनिए जी, षड्यंत्र जैसे जम्मू कश्मीर में पथराव होता है, उसी तरीके से छतों पर पहले से पथराव कैसे जमा था? भाई इतने पत्थर आपकी छत पे कहां से आ गए, इतने हथियार कहां से आ गए? चांदनखेड़ी गाँव में बात सामने आई नहीं आई, पर घरों में जो इंक्वायरी हुई है उसमें शस्त्र मिले हैं इनके। पूर्व नियोजित शस्त्र कहां से आए आपके पास? इसका मतलब कौन को योजना बनी है, उनको फंडिंग कौन कर रहा है? जिस प्रकार सीए को लेकर के फंडिंग हुई थी, उसी प्रकार राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी करने के लिए ये सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या नाम है आपका? सोहन विश्वकर्मा, विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत मंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।